चौधरी देवलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष किया। इन्होंने उनके साथ ये हरियाणा प्रदेश की सड़कें पैदल नापने का काम किया। ये वोट कोई हमें ऐसे खैरात में नहीं मिला। इस वोट के लिए आपके और हमारे बुजुर्गों ने बहुत जुल्म सहे, बहुत उन पे अत्याचार हुए, बहुत उन पे कहर बरपाए गए, तरह तरह के जुल्म ढाए गए। इतना बड़ा कंधा था उनका, कोड़ा भी जो था वो भी बड़ा सख्त था और उनकी जेलें भी बड़ी सख्त हुआ करती। न्याय बात की थी। बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, उन विपरीत परिस्थितियों में फिर एक बार दो साल करड़े आए, इमरजेंसी लागू हो गई। और जब इमरजेंसी लागू हुई तो फिर हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों को पैरों तले धोता गया। एक बार फिर हमें वोट डालने का अवसर मिला और जब अवसर मिला ही ना कोई संगठन था, ना कोई झंडा था, ना कोई डंडा था और ना चुनाव लड़ने के लिए किसी के पास पैसा, क्योंकि सीधे जेलों से आए थे। पर आप सब लोगों के मन में एक टीस थी, आप सब के मन में एक आग लगी हुई थी, एक दर्द था कि अगर इन कसाईयों को दोबारा मौका मिल गया तो अब तक जी काट देंगे, मार देंगे। यह बात थी ना, एक नरेंद्र मोदी का, एक अमित शाह। देवीलाल जी की कर्म भूमि रही। 1980 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने सोनीपत से अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आज भी इस भीड़ में बहुत से बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने उस समय चौधरी देवीलाल जी के साथ कदम ताल मिलाकर उस संघर्ष के हिस्सेदार बनकर चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया था कि आपकी इस पगड़ी को, आपके खंडके को जरा भी नीचा नहीं होने दूंगा, आपकी आवाज को नीचा नहीं होने दूंगा, शांति से आपकी आवाज को सोनीपत की इस जमीन से देश की राजनीति के सर्वोपरि मंदिर पार्लियामेंट और संसद भवन तक पहुंचाने का काम मजबूती से करूंगा। यह मैं वादा और विश्वास आप सबको देता हूं। के बीच में है एक तरफ जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिसके पक्ष में आप हजारों की संख्या में आज एकत्रित हुए हो, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के लोग कहा करते थे कि भाई देश में बदलाव आएगा और अच्छे दिन आएंगे। मैं मीडिया वाले भी यहां बैठे हैं और ये जनता कहीं और की नहीं है, 100% सोनीपत की जनता है। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा ये कैमरे मोड़ ले
मैं दो तीन सवाल पूछूंगा। जहां मेरे सीआईडी वाले भाई पुलिस वाले भी आए होंगे, वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि वो सरकारी वर्दी पहने हुए हैं। क्या पुलिस वालों को पंजाब के समान तनख्वाह मिली? क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिला? साथियों, आज गरीब आदमी गरीब हो रहा है। बैकवर्ड और दलित के सम्मान की बात करते थे, ये कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो कानून है उसको मजबूत करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या बैकवर्ड और दलित समाज को सम्मान बीजेपी ने दिया? वो जिसको ठीक करना, जिसका सुधार करना, या तो मेरी पीढ़ी के नौजवान जानते हैं, क्या वो कठिनाई आने वाली पीढ़ियों को होगी? आप सहमत हो कि नहीं? 36 बिरादरी के बीच में 35-1 का नारा देकर, कभी किसी राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति को हवा देकर इस हरियाणा के माहौल को खराब करने का काम किया। जाट आरक्षण जो था वो जाटों की लड़ाई सरकार से थी और अपनी मांगों को लेकर के थी। जाटों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं थी। मगर ये आप और हम मानते हैं कि उसको उस लड़ाई में, अगर उस आग में घी डालने का काम किया तो वो बीजेपी के इशारे पर राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने किया, एक कौम को बदनाम करने के लिए, जिसके कारण हरियाणा में वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सके। मगर इनके ये नाकाम मंसूबे, इनके ये बेगैरत मंसूबे, आज हम संकल्प लेकर के जाएं गोहाना की इस पावन पवित्र धरती से कि हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हरियाणा में कामयाब नहीं होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैदान में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि मेरी दो आंख, एक रोहतक है और दूसरी आंख सोनीपत है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक आंख सोनीपत वाली जो है उसका शटर सिर्फ और सिर्फ, उसका गेट जो है वो तभी खुलता है जब सिर्फ चुनाव होते हैं, नहीं तो वो 5 साल आंख बंद रहती है कि नहीं रहती है? वो बंद रहे हैं आंख। जब चुनाव आता है तो ये भोली भाली जनता, दिल से सोचने वाली जनता, मैं थारा था मारे का नारा देकर इस सोनीपत की जनता को उभरगराना चाहते हैं। मैं आज ये बात खुले तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहता हूं, आप हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक भी ऐसा काम सोनीपत जिले में गिनवा दो जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हुड्डा साहब, एक भी काम ऐसा नहीं गिनवा सकते जो आने वाली पीढ़ियां इस इलाके याद रखे। साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, सिर्फ और सिर्फ जमीनों को लेकर रॉबर्ट बढ़ेरा के साथ मिलकर के उनका गबन किया और गरीब किसान की जमीनें छीनकर प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का काम किया। आज जहां उससे हमने इनको सबक सिखाना है, वहीं मेरे पे आरोप लगा रहे हैं हुड्डा साहब बार 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 एक ही बात कह रहे हैं कि दिग्विजय जो है वो मेरी कड़ी बिगाड़न आया है। यही कमे है कि नहीं? मैं आज हुड्डा साहब को कहूंगा गोहाना की धरती से, चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली से, कि मैं किसी की कड़ी बिगाड़न नहीं आया। हुड्डा साहब, आज ये तस्वीरें देख लेना और जहां भी हम जा रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, अगर बढ़िया कड़ी किसी की बन रही है तो जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बन रही है। इसको जनता पसंद करेगी। और भाई, प्रजातंत्र है, कड़ी बनाने का हक तो सबको है कि नहीं है? कि दिग्विजय तो बीजेपी वालों के हाथ में खेल रहा है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब ये कहा कि दिग्विजय ने बीजेपी हाथ में पैसे ले लिए। यही बात कही कि नहीं कही? सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के साथियों, आज मैं ये हरियाणा की जनता, मेरा परिवार है और इस हरियाणा की जनता के साथ पीढ़ियों तक हमने सम्मान संघर्ष किया है। आप ये वहां पता लगा रहे हो, मैं तो आपको वादा देता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा और चौधरी देवीलाल जी का, चौटाला साहब का और अजय सिंह जी का गर्म खून हमारी रगों में बहेगा, तब तक आपका सिपाही। आज मेरे लिए कोई भूखा देख करके सम्मानित करेंगे भाई जान हुआ अटल जी, एक बार जोरदार तालियों से आज सभी साथी स्वागत करेंगे।